मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएमआर में जलदाय ऊर्जा, और आपको बता दें कि तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तमाम विभागों के अधिकारी और मंत्री वहां पर मौजूद हैं। कृषि, स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इस वीसी में जुड़े। विभागवार समीक्षा बैठक ली गई। कोरोना लॉकडाउन, प्रवासियों, बॉर्डर सील जैसे मुद्दों पर यहां चर्चा। शाम 5 बजे सीएम गहलोत करेंगे औद्योगिक संगठनों से चर्चा। सीएम अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अहम। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएमआर में, ये आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इस वीसी में जुड़े, विभागवार समीक्षा बैठक ली गई, क्या क्या वहां पर क्या क्या मुद्दे उठे, क्या क्या सामने आया? देखिए मनीषा, जो तीसरा लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लगातार जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, वो हालात काफी गंभीर है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण को लेकर तो जो सख्त कदम उठा रहे हैं और जो फैसले ले रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे में जो तमाम विभाग हैं, चाहे जलदाय विभाग है, ऊर्जा विभाग है, कृषि विभाग है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और लॉकडाउन को देखते हुए उनकी रणनीति क्या रही है, विभाग ने अब तक कैसा काम किया है, उसी को देखते हुए आज उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके तहत करीब आधा दर्जन जो विभाग है उनकी अलग अलग समीक्षा की, अलग अलग विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से फीडबैक लिया और चर्चा की कि उनके विभागों ने इस लॉकडाउन में जनता को किस प्रकार से राहत दी और कितना कुछ कामकाज किया है। उसी को देखते हुए जलदाय, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य जो मंत्री हैं वो अशोक गहलोत से जुड़े और उनके विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने उनसे चर्चा की कि लॉकडाउन में जलदाय विभाग की क्या स्थिति है, किस प्रकार की तैयारी की है गर्मी को देखते हुए, साथ ही कृषि विभाग को, क्योंकि जो अब हाल ही में जो समर्थन मूल्य पे जो फसल खरीदी है उसकी क्या स्थिति है, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर क्या रणनीति है, वो अलग अलग मंत्रियों से संवाद किया। साथ ही मंत्रियों से ये भी चर्चा की कि लॉकडाउन जारी है, ऐसे में अब वो जहाँ भी है उनके विभाग में अधिकारियों से किस प्रकार से मंथन करके क्या रणनीति बना रहे हैं और किस प्रकार से जनता को राहत दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कोरोना और लॉकडाउन और ये जो प्रवासियों का आवागमन हो रहा है और बॉर्डर सील के जो निर्देश दिए हैं उनको लिए भी मंत्रियों से चर्चा की, क्योंकि जो हाल ही में कल सोनिया गांधी से वीसी हुई थी उस दौरान ये चर्चा हुई थी कि 17 मई के बाद में क्या स्थिति रहेगी केंद्र सरकार से, हालांकि उन्होंने सवाल किया था, लेकिन प्रदेश में क्या कुछ कर सकते हैं, प्रदेश में क्या कदम उठाए जिसको लेकर जनता को भी राहत मिले और लॉकडाउन में नियमों का भी पालन हो, साथ में जो अर्थव्यवस्था है वो भी गति पकड़े। और काफी दिनों से जो बजट घोषणाओं में जो अलग अलग विभागों की जो बजट घोषणाएं थी उनमें किस प्रकार से अमल किया है, क्योंकि लॉकडाउन जारी है, तीसरा दौर लॉकडाउन का है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि विभागों का काम धीरे पड़ जाए और जो योजनाएं हैं वो टफ हो जाए या जनता को राहत मिलना बंद हो जाए। उसी को देखते हुए तमाम विभागों का उन्होंने फीडबैक लिया कि उनका क्या प्लान है और किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें शाम 5 बजे सीएम गहलोत औद्योगिक संगठनों से भी चर्चा करेंगे।